अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ तनवीर सैन एंड यू आर वाचिंग तनवीर सैन ब्लॉग्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साइंसी ईजादात जहाँ पे ज़्यादा होती है वो बहुत सी चीज़ों को ख़त्म करते हुए जाती है। जैसे जहाज है जिसने सफ़र के फासले को ख़त्म कर दिया, मोबाइल है, मोबाइल टेलीफोन की वजह से रबते के जो खतूत का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको साइंसी ईजादात ने ख़त्म कर दिया है। इसी तरह हमारे गाँव में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको साइंस की ईजाद की वजह से ख़त्म कर दिया गया है। जैसे हल चलाने का सिस्टम है, गांव में, देहातों में, खेतों में जो हल चलाते हैं वो पहले गाय का इस्तेमाल किया जाता है। एक मखसूस तरीके से हल चलाते थे खेतों में, तो अब ट्रैक्टर आ गई है, उसकी वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो आज इसी तरह की एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, गाँव में कुएँ जो होते हैं गाँव में कितनी अहमियत के हामिल थे पहले और अब उनकी हैसियत क्या रह गई है। तो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये मेरे साथ मेरी टीम बैठी हुई है, ये शायान, ये इंतखाब है, ये मुकरम है और ये गयूर अब्बास। तो चले स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त के जाए किए। चलो तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कुएं की हालत, गांव में मुश्किल से कुछ चंद एक कुएं रह गए हैं, बाकी सारे कुएं तो ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी ईजादात आई हैं जो इसके अल्टरनेट बनाई गई हैं। तो इसको पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, इसकी काफ़ी ज़्यादा खसूसियात हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर रखी जाती थी ठंडी करवाने के लिए, बिल्कुल फ्रिज की तरह काम करता है, इतना ठंडा होता है। जैसे तरबूज रखते थे, बोतल छोतल अंदर रखते थे, और इसका पानी इतना ठंडा होता है कि क्या बताएं हम आपको, ठंडा बन बहुत ज़्यादा, फ्रिज की ज़रूरत नहीं थी। ये इतना ठंडा था कि हमें फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके ऊपर असल में ये होता था, इसमें जो पानी स्टोर किया जाता था उसमें ऊपर वाली लेयर थोड़ी गर्म रहती थी, नीचे ठंडा पानी रहता था। जब पानी यहाँ से निकाला जाता था, निकालने के लिए आते थे, उस वक्त पहले ऊपर वाली लेयर को थोड़ा हल कर दिया जाता था और नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ आ जाता था और इस तरह पानी निकाल के बहुत ठंडा होता था। और मजे का पानी आप लोग देख सकते हैं, पानी वैसे भी बहुत गदला पानी है, पानी में मिट्टी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर स्टोर करने से ये होता था कि वो फिल्टर हो जाता था, उसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती थी और हमें साफ पानी पीने को मिलता था। और हमारे जो ये जो फ्रिज आई है उसने हमारी कुएँ की हैसियत ख़त्म कर दी। और कुएँ के साथ एक और चीज़ होती है जो फ्रिज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसको कहते हैं मछली। अभी हम आप लोगों को मछली दिखाएंगे, भी दिखाएंगे। अच्छा तो ये है मछली, फ्रिज इसको सुना भी मछली कहते हैं हमारे जवान में, इसको मछली कहते हैं। तो असल में जो फ्रिज होती है, फ्रिज का अल्टरनेट, मेन जो अल्टरनेट था वो ये सालन वगैरह के लिए ये है, जो पानी ठंडा करने के लिए छोड़ा जाता है या फिर तरबूज वगैरह जो होते हैं उनको ठंडा करने के लिए कुएं में डाला जाता था। इसमें सालन रखते हैं, गाय का दूध जो होता है, दूध धो के, गाय भैंस बकरी का दूध धो के फिर यहाँ ला के रखा जाता था ताकि वो ख़राब ना हो, दूध फट ना जाए, सालन ख़राब ना हो जाए, इसलिए ला के यहाँ पर रखा जाता था। तो इसको कहते हैं मछली। हेलो गाइस, माय नेम इज़ तनवीर हुसैन एंड यू आर वॉचिंग तनवीर हुसैन व्लॉग्स। तो अब ये तुम लोगों को क्या दिखा रहा था, कुआं दिखा रहा था। तो ये कुआं, असल में इसे कुआं नहीं कहते हमारे ज़माने में, इसे गुल को कहते हैं, गुल को देख रहे हैं ना आप, ऐसे गुल को कहते हैं, तो गुल को। और अब ये दूसरा एक और चीज़ दिखा रहे थे ना, इसे मछली, उसे हम बरोटो कहते हैं, बरोटो, जैसे बरोटो ऐसे होता है, बरोटो बरोटो असल में कुआं बड़ा होता है, मछली छोटी होती है, तुम इशारा उल्टा कर रहे हो, ये मछली है। बरोटो ऐसे होता है, नीचे से ऐसा होता है बिल्कुल, इसलिए इसे बरोटो कहते हैं। तो गहरा होता है, हाँ कुआं तो गहरा होता है, हाँ गुल को बोलते हैं, कुआं गहरा होता है। ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपको। वैसे कुआं कितना गहरा होता है? 10-20 फुट शायद, 20 फुट नहीं होता भाई, फिर 5 मीटर नहीं, कम से कम 7-8 फुट होता है।
भाई इसका मतलब है 3 मीटर होता है, अंदर से बाहर आसानी से निकल जाता ना, नहीं निकल सकता नॉर्मल बंदा अंदर जाते इस तरह करे ये तकरीबन हो जाएगा। यार मेरा बाजू दर्द कर रहा है, 7 फुट तक हो सकता है। ले लो यार कोई, मेरा बाजू दर्द कर रहा है। 15 फुट के बंद गुलगो बेचारा मजा क्या बेचारा। ये देखिए कुआ, एक और कुआ, एक और मतलब गुल को, एक में तो गुल को खंड रखा। हमारे पास भी अभी एक दो बाकी है कुएं, मिटाए नहीं है अभी भी, यहाँ पानी मौजूद है। तो यहाँ से हम पानी निकालने के लिए जो चीज़ रखते थे यहाँ पे, अभी वो भी यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा। तो मैं क्या दिखाऊँ, और पानी पीने के लिए कोई चीज़ है नहीं, वरना पानी निकाल के पी लेते। चलो हाथ से ही थोड़ा निकालते पानी। ये देखो काफ़ी नीचे है, इसमें पानी नहीं दिया गया है, काफ़ी ठंडा पानी है। फर्क ना बहुत सारा फर्क है दोनों पानी में, जो नाली में चल रहा है और कुएं में जो खड़ा है। देखो पानी में कितना फर्क है, देखो ये पीने के लायक है, ये पीने का लायक नहीं है। ये देखो साफ पानी, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं घरों में सालन बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इतना ठंडा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जदीद टेक्नोलॉजी की इजादत ने बहुत सी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ये कुएँ की हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक दो कुएँ ऐसे हैं जो अभी तक चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुकम्मल ख़त्म हो गए, कुछ चल भी रहे हैं, लेकिन उनकी वो हैसियत, एग्जैक्ट वो हैसियत नहीं रही, उनकी हालत लूल हो गई है, उनकी हालत लूल हो गई है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, पहले क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।